हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। तो देखो, सुबह सुबह बारिश हो रही है और ये देखो मैं डोबा से देखो बहुत ही सारा ये गुगली लेकर आए हैं। तो आज गुगली का रेसिपी बनाऊंगी। तो बारिश के वजह से बहुत ही मिल रहा था तो मैं लेकर चली आ गई हूँ। और देखो अभी तो बहुत ही सारा काम भी है। अभी सुबह का काम तो हो गई है, अभी लंच तो बनाना तो पड़ेगी ही। और मैं नहा भी लिए सुबह ही आज, और देख सकते हो कपड़ा भी कहाँ डालूं, बहुत ही बारिश हो रही है क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी आ चुका है। तो इसलिए हर दिन ही बारिश हो रही है, पूरा दिन ही बारिश होगी। आज भी, कल भी हुई थी, आज भी होगी। तो चलो फटाफट से क्या सब्जी बनाऊंगी वही देखो काट रही हूँ। ये पोटल है, तो ये पोटल आलू का सब्जी बनाऊंगी और इसके साथ डांटा भी, तो बगान में जो है वही, और जो गुगली लेकर आए हैं उसका भी रेसिपी बनाऊंगी। तो फटाफट से ये काट लेती हूँ ये जो पोटल है। तो ये मैंने परसों लेकर आई थी, तो आज ठीक ही है, मैंने सोचा ख़राब हो जाएगी तो ठीक ही है। और इधर दादी देखो ये जो गुगली है तो सब निकाल रही है, तो दादी भी भीग चुकी है, बोला नहाऊंगी तो ये सब पहले निकाल लेते हैं ये जो गुगली है। तो और मैं इधर सब्जी काट रही हूँ। मैं तो सुबह ही नहा लिए पहले, तो उसके बाद ही खाना बना रही हूँ क्योंकि काम करते करते पूरा भीग गई हूँ, तो इधर उधर करते करते इसलिए मैंने सुबह ही नहा लिया। उसके बाद ये लंच बनाने के लिए शुरू भी कर दिया है। तो पहले सब्जी काट रही हूँ, उसके बाद ही बनाऊंगी। तो जो भी सब्जी है सब पहले काट लेती हूँ, तो इसलिए ये भी देखो जो अदरक लहसुन जो भी लगेगी सब काट रही हूँ। तो देखो सब्जी तो अच्छे से धो लिए हैं, और अभी देखो ये जो आप लोग को बता रही थी डांडा और ये बरबटी है, तो दादी ने लेकर आई थी बगान में जो है, तो ये अभी अच्छे से धो के अच्छे से कट कर लेते हैं। तो इसके साथ ही मिक्स करूँगी ये जो पोटल का सब्जी बना रही हूँ इसके साथ ही, तो इसलिए अभी कट कर लेते जल्दी जल्दी। और देख सकते हो बारिश तो बहुत ही गिर रहा है, और ये जो किचन है ना ऐसा बारिश के टाइम पूरा ऐसा भिगुनो ही रहता है, और बाहर में भी भीगोना तो रहती है और ऐसे किचन में भी तो अच्छा नहीं लगता है। तो क्या कर सकते, पूरे इधर उधर से पानी गिरते रहता है किचन में। तो देखो मैं छाता लेकर अभी ये पेस्ट करी हूँ जो अदरक लहसुन जो मिर्ची का पेस्ट, तो ही ऐसे करके पेस्ट करना पड़ेगी। तो देखो अच्छे से पेस्ट तो कर लिए है, तो आप लोग को बता रही थी मेरा तो हाथ फूल गई है, तो अभी तक ठीक नहीं हुई है, फिर भी ऐसे करके कर रही हूँ। और दादी भी आज हेल्प कर रही है, तो सब्जी एक हाथ में तो सब काम नहीं होगी, तो सब्जी तो मैं बना ही सकती हूँ। और ऐसा जब पेस्ट करिए तो दोनों हाथ से करना पड़ता है, तो वही नहीं हो रही है। और इधर देखो पानी सब खत्म हो गई, खाली कर दिया, और दादी देखो सफाई कर दिया है ये गुगली अच्छी तरह। और ये देखो सब बाल्टी वगैरह खाली हो गया, दादी उधर भर रही है पानी। अच्छा तो धो दिए हैं ये डब्बा वगैरह, और मैं पाइप लगा दूँगी। और ये देखो ये पीने के लिए पानी थोड़ा सा बचा है, तो उधर डाल दूँगी और फिर अच्छे से भर के फिर लेकर आऊँगी। तो देखो छाता लेके इधर उधर घूमना पड़ रहा है, तो ये बॉटल भी भर लेते हो। देखो ये जो पीने के लिए पानी वो भी भर लिया है, भी रख देते हैं। और भी है एक बाल्टी, तो वो भी भर लेती हूँ। तो ये बाल्टी का पानी है, तो चावल बनाने के लिए उसमें डाल दिया है, डेचकी में अभी रख देती हूँ। और ये जो बाल्टी खाली होगी तो वो भी भर लेते। तो ये पीने के लिए पानी तो सब भर लिए हैं, और उधर मैंने पाइप भी लगा दिए हैं ये देख सकते हो, तो सारा पानी भर लिए है। और मैं तो पूरा भीग चुकी हूँ इधर उधर करते करते, सुबह नहा लिए थे और ऐसे भी कपड़ा तो नहीं सूख रहा है इतना बारिश में।
तो अभी सारा काम तो हो गई है, तो लंच बनाना अभी तक नहीं हुए हैं, बस सब्जी कट के रख दिए हैं, तो ब्रेकफास्ट तो अभी तक नहीं किया है। ये देखो पूरी, दाल की पूरी, तो आप लोग को बता रही थी कल मॉर्निंग में हो जाएगी, तो इसीलिए। तो देखो ये डिचकी में क्या रखा है, मीठा है तो लेकर आए थे, तो वही अभी हम लोग खाएंगे ये मिठाई के साथ जो पूरी है। तो देखो तीन मिठाई है, तो दादी को एक दे दिए, मैं भी एक ले लेती हूँ, तो बराबर से ब्रेकफास्ट भी कर लेते। चलो ये देखो ले लिया मैं भी, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ही मैं लंच बनाऊंगी। तो देखो बहुत हवा भी दे रही है और बारिश तो हो ही रही है। तो ये देख सकते हो चाल मैंने चढ़ा दिए हैं, और देखो किचन का फ्लोर पूरा भीग चुकी है पानी में, बस ये जो चूल्हा के सामने नहीं भीगे हैं, नहीं तो पूरा चारों तरफ भीग गई है ये फ्लोर पूरा, तो अच्छा नहीं लग रहा है। और इधर दादी देखो ये जो गुगली सफाई की वजह से अभी इसका ऊपर का जो पोर्शन रहता है वही सब चढ़ा रही है एक एक करके, तो मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए दादी कर रही है, नहीं तो मैं भी हेल्प करती तो जल्दी हो जाता है। बहुत ही सारा गुगली भी है आज, तो दादी बोला हाँ मैं ही कर लेते हैं, तुम उधर सब्जी बनाओ, तो ठीक है। और ये देखो आप लोग क्या बोलते हैं इस पत्ता को, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, ऐसे बोड़ा बना के भी खाते हैं, ऐसे चटनी बना के भी, तो हम लोग बोलते हैं गांदल पाता। तो देखो अभी अच्छे से पेस्ट कर रही हूँ, और इसमें लहसुन लगाऊंगी। तो देखो बहुत ही फूल गई है, बहुत दर्द भी हो रही है, तो दोनों हाथ में तो हो ही नहीं रहा है, तो देखो अभी एक हाथ में पेस्ट कर रही हूँ, पता नहीं कब ठीक होगी, तो काम तो करना है पड़ेगी, तो दादी अकेले तो नहीं कर पाएगी, नहीं तो दादी भी नहीं कर पा रही है और मैं भी, तो हम लोग खाना नहीं खा के तो नहीं रह सकते हैं, तो खाना तो बनाना पड़ेगी जैसे भी करके, तो इसीलिए। तो देखो अच्छे से भी पेस्ट भी कर लिया है, ये जो गांदल पाता है इसका मैं चटनी बनाऊंगी, तो थोड़ा सा ये देखो बहुत अच्छी तरह पेस्ट भी कर लिए हैं। तो ये देख सकते हो ये जो सिलनोड़ है अच्छे से धो दी है, अभी बारिश भी कम हुई है इसलिए जल्दी जल्दी पेस्ट भी कर लिए हैं, ये देख सकते हो। और ये देखो ऑयल में एक मिर्ची दिए हैं, तो अभी पेस्ट किए जो गांदल पाता दिए हैं, और अभी थोड़ा सा सॉल्ट दे दिए हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर कर लेते, बस हो जाएगी इसका चटनी, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो थोड़ा सा हुई है, तो थोड़ा सा ये गांदल पाता भी था तो इसलिए, तो अभी दोनों के लिए ये तो हो ही जाएगी। और इधर देखो दादी पोस्तू पेस्ट करिए, तो और नहीं कर पा रहे इसलिए दादी ये अभी पेस्ट कर रही है पोस्तू। और ये देखो इसमें अदरक लहसुन दे दिया है ऑयल में, तो फ्राई हो चुकी है, अभी पोटल आलू का जो सब्जी है तो ही पहले बना लेती हूँ, उसके बाद ही बनाऊँगी गुगली का रेसिपी। तो देखो इसमें सॉल्ट दे दिए, तो थोड़ा सा ऐसे चला देती हूँ, उसके बाद कुछ देर के लिए ढक के रख देती हूँ, तो जल्दी हो जाएगी ये सब्जी भी। तो ये देख सकते हो इसमें पहले से मसाला डाल दिए थे, तो इसलिए जल्दी हो गई है ये देखो, और थोड़ा पानी भी दे दिए थे, और अभी बहुत अच्छी तरह बन चुकी है ये सब्जी, पोटल और डंटा और बरबटी का सब्जी, तो बहुत ही अच्छा। तो अभी फिर से कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं, तो ये देखो गुगली का रेसिपी भी बनाऊंगी, तो इसके लिए जो भी सब कट कर लिए हैं जो भी लगेगी, तो ऑयल डाल दिया है सरसों का ऑयल, पहले आलू को फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्ट दे दिए हैं, तो कुछ तरह से फ्राई करते रहूँगी। ये देख सकते हो बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है आलू को, तो आलू सब अभी उतर रही हूँ, तो ये सब उतरने के बाद ये जो गुगली है वो भी पहले फ्राई कर लेते हैं ये ऑयल में। तो देखो आग तो फिर से निकल चुकी है, आग को फिर से जलाना पड़ेगी, तो आग को पहले जला लेती हूँ, तो देखो नहीं जल रहा था इसलिए देखो फिर से दिसलाई को जला दिए हैं, तो अच्छे से जल गए हैं। तो ये देखो गुगली अभी डाल दिए हैं, तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी दे देती हूँ, तो देखो दे दिए है, तो इसमें से बहुत अभी पानी भी निकलते हैं, तो देखो अभी बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है, अभी मैं ये भी उतर लेती हूँ।
ये गूगली। तो देखो एक कटोरा में सब पहले रख देती हूँ। तो देखो बहुत अच्छी तरह फ्राई भी हो चुकी है। तो देखो ये ऑयल फिर से डाल दिए हैं, प्याज को पहले डाल दिए हैं। तो प्याज अभी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो इसके बाद देखो अदरक लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट किए थे वो भी डाल दिए। तो ये सब लगा के अभी अच्छे से फ्राई तो हो चुकी है। अभी मसाला दे रही हूँ हल्दी, धनिया, जीरे की पाउडर, बस यही। तो ये सब अच्छे से मिक्सड हो गई है। अभी फ्राई किए आलू भी डाल दिए हैं। तो ये सब देखिए बहुत अच्छी तरह अभी मिक्सड कर लेते हैं कुछ देर के लिए। तो इसमें थोड़ा सा पानी भी दे देती हूँ। ये मसाला सब आलू के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी इसीलिए। तो अभी कुछ देर के ढक के रख देती हूँ। तो अभी देखती हूँ। तो देखो बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है आलू के साथ। तो अभी जो गूगली फ्राई किए थे तो अभी डाल देती हूँ। तो ये सब देने के बाद बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो देखो बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। इसमें अभी पानी डाल देती हूँ। तो देखो पानी डाल दिए हैं। तो अभी इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी दे देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा झोल बने के ज़्यादा भी नहीं। तो ये अभी ढक के रख देते हैं कुछ देर के लिए, उबल आ जाएगी बहुत अच्छी तरह। तो देखो बहुत अच्छी उबल आ गई है। तो इसमें अभी जो पोस्तू पेस्ट किए थे दादी ने तो वही अभी डाल दिए हैं क्योंकि गूगली पोस्तू बना रही हूँ तो इसलिए। तो अभी पोस्तू डाल दिए हैं। तो ये अभी कुछ देर के लिए ढक के रख देती हूँ, फिर हो जाएगी गूगली पोस्तू। तो ये देखो बहुत अच्छी तरह बन चुका है गूगली पोस्तू। ये भी अभी उतर देती हूँ। तो लंच तो बना दिए हैं, अभी हम लोग लंच करेंगे। ये देखो दादी के लिए भी बांट लिए है और मेरे लिए भी। देखो बहुत अच्छी तरह बन चुके हैं लंच का रेसिपी। तो अभी हम लोग खा लेते हैं। तो फटाफट से बहुत भूख भी लग गई है और आज खाना बनाने में थोड़ा देर हो गई है, 2 बज गई है। तो बारिश की वजह से जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा था। तो खा लेते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये गूगली का रेसिपी। तो ये गूगली पोस्तू मैंने पहले ही बनाए थे, याद नहीं आ रही है। तो और भी बनाए हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो आप लोग भी ऐसे करके बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम लोग का गांव में जो डोबा है तो उसमें बहुत ही गूगली है और अभी तो बारिश का मौसम है तो बारिश की वजह से और भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए लेकर आ गई है और बना भी लिए है। तो हम लोग ऐसे ही लेकर आते हैं और बना लेते हैं। और ये देखो लंच तो हो गई है, अभी ये सब बर्तन लेके अभी डोबा जाऊंगी। तो अभी बारिश भी कम हो गई है तो जल्दी जल्दी धोकर चली आती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही रहेगा। तो आज का वीडियो आप लोग कैसी लगी है, अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग बहुत बहुत खुश रहें।